इंदौर में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है और एक ही दिन में इंदौर में 5 लोगों की मौत स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। इंदौर में स्वाइन फ्लू से लगातार मौत हो रही है। स्वाइन फ्लू से अभी तक 50 मौत हो गई। वहीं एक दिन में 5 मौत सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग गर्मी से वायरस पर कंट्रोल करने की बात कह रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे स्वाइन फ्लू का वायरस कम होगा। वहीं स्वाइन फ्लू के वायरस पर नियंत्रण करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो टेमी फ्लू गोलियां दी जा रही है उसके भी कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि सामान्य वायरस पर भी कुछ डॉक्टर टेमीफ्लू वायरस की गोलियां दे रहे हैं जिसके कारण उसके कई दुष्परिणाम आ रहे हैं सामने। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि यह एक शेड्यूल H1 ड्रग है और इसका प्रयोग किसी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं किया जा सकता है। हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं इनके माध्यम से सारी ड्रग एसोसिएशन को ये बता दिया गया है, दवा बाज़ार में ये सूचित किया जा चुका है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवा ना दें, व्यक्ति स्वयं यह दवा का प्रयोग ना करें और प्रशिक्षित और रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर के द्वारा ही यह दवा का लिखा जाना चाहिए और दिया जाना चाहिए। फिलहाल इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग जल्द ही एक घोषणा करने वाला है जिससे कि उसके दुष्परिणाम से मरीजों को बचाया जा सके, लेकिन अभी तक इंदौर में 50 मौत सामने आ चुकी है।